morning, dear students. I hope you all are fine. You are home and taking care of your health. Stay home, stay safe. Today our topic, the naughty boy part third में इसके कुछ question रहे थे तो वो आज हम करेंगे. Page number आप निकाले 65. तो चार सवाल हमने पीछे किए थे. अब हमारा fifth question है. Pick out the describing words in the poem. तो पोएम में से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकालने हैं. जो बयान किए गए हैं उन वर्ड्स को हमें निकालना है. कौन कौन से थे? हार्ड, लॉन्ग, मैरी, रेड, हैवी, वेटी, एटी, वुडन. अब क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड ऑफ? पिक द राइट आंसर फ्रॉम द ब्लू बॉल. अब यहाँ पर एक बॉल बनाया है ब्लू बुक्स पर, तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो हमें क्या करने हैं, पिक करने हैं राइट आंसर पर. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डेस्क, रूफ, शर्ट, पाइप, यूटेंसिल. तो इस बॉल से हमें निकालने हैं कि कौन से इसमें राइट आंसर इसका कौन सा है. उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इसके आगे लिखना है. बॉल से निकाल कर यहाँ इसके आगे राइट आंसर लिखना है, वर्ड लिखने हैं. तो डेस्क किस से बनता है? वुड. यहाँ पर हमने लिखा वुड. रूफ, शाबाश, टिन. शर्ट, क्लोथ्स. पाइप, रबर. यूटेंसिल, स्टील. तो ये हम बाल में से इसके राइट वर्ड्स हमने यहाँ पर क्या किया, उनको टिक किया, लिखा. क्वेश्चन नंबर 7. राइट 5 थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्लोथ, स्टील्स एंड टिन. तो पांच हमें चीजें लिखनी है. वुड से हमें 5 लिखनी है. प्लास्टिक से, क्लॉथ, स्टील, टिन, सब में से 5 थिंग्स हमें लिखनी है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वुड से. चेयर, विंडो, टेबल, ब्लैकबोर्ड, डस्टर. तो ये 5 चीजें हो गई किसकी? वुड की. प्लास्टिक का हमारे पास है चेयर, बास्केट, मार्कर, डस्टबिन, मग. तो ये 5 चीजें प्लास्टिक से होगी. क्लॉथ, शर्ट, बेडशीट, कर्टन, मैट, ट्राउजर. अब स्टील, यूटेंसिल, कुकिंग स्टोव, पाइप, बैंगल्स, बास्केट. ये 5 चीजें क्या होगी इसके साथ? 5 थिंग्स कौन सी हैं? स्टील वाली. अब टिन, रूफ, बुखारी, कोल्ड ड्रिंक टिन, मस्टर्ड ऑयल टिन, बुखारी, पाइप. तो ये 5 थिंग्स हमें लिखनी थी. 5 थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, स्टील, टिन, ये हम लिखनी थी. तो वो हम मैंने 5 आपको लिखवा दी. आप स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक पर ये सब लिखेंगे और याद भी करेंगे. तो प्लीज़ राइट नीट एंड क्लीन. ओके, खुदा हाफिज़.